तो हेलो गाइस, माय नेम इज जे किशन। हमने मंगा लिया ये वाला ड्रोन। अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और इस ड्रोन का आज हम रिव्यू देने वाला हूँ। इतना अच्छे से और इतना बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस ड्रोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारे चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, ओवरऑल एवरीथिंग। प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये मिला है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्रोन का नाम की बात करें तो भाई बॉक्स पे इसका नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ड्रोन का नाम ड्रोन लिखा हुआ है। तो ये है। इसका प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट मुझे 3,000 रुपये में ये ड्रोन मिल रहा है, और 3,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको ड्रोन मिलता है। और इसके फीचर्स की बात करें, इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलता है। लाइक इस ड्रोन में आपको हेडलेस मोड देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक टर्निंग कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि रिमोटली एडजस्टेबल कर सकते हो कैमरा को। GPS इंटेलिजेंट रिटर्न आपको देखने को मिलता है, 1K रिटर्न, तो लेकिन ये काम नहीं करता है। ऑप्टिकल एवोडेंस आपको देखने को मिलता है, ब्रशेस मोटर आपको देखने को मिल जाता है, और सिनेमैटिक शॉट यानी कि इसमें एक सिंपल कैमरा सा भी देखने को मिलता है। इसमें एक नहीं बल्कि दो कैमरा आपको देखने को मिलता है, और बॉक्स देख सकते हो कुछ इस तरह से है। और गाइस, इस ड्रोन का बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी आपको टॉप ऑफ द लेवल का मिलता है। और डिजाइन की बात करें तो ठीक ठाक आपको डिजाइन देखने को मिलता है, आप देख ही सकते हो डिजाइन किस टाइप का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लाइंग क्वालिटी की बात करें तो भाई फ्लाइंग क्वालिटी भाई आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलता है, इतना मस्त मिलता है क्या ही बताएं। अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में सारे चीज़ आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जरूर से जाकर के देख लेना। और गाइस, इसमें एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है, रिमोटली एडजस्टेबल कैमरा देखने को मिलता है, तो आप रिमोट से इसका कैमरा को एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। ये फीचर सारे ड्रोन में मिलना चाहिए, लेकिन इस ड्रोन के अंदर आपको मिल जाता है, तो काफ़ी मस्त चीज़ है। तो गाइस, इस ड्रोन का बैटरी बैकअप की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 से 10 मिनट देखने को मिलता है, यानी कि 7 से ऊपर ही चलता है, 7 से नीचे आपको नहीं चलने वाला है। और इस ड्रोन का बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें आपको बहुत ज़्यादा चार्जिंग देखने को मिलता है, टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई इसका बैटरी जो हैवी है, काफ़ी तगड़ा बैटरी है इसके वजह से। और आप लोग सोच रहे थे इतना बढ़िया बैटरी है तो भाई फ्लाई क्यों नहीं देता है, फ्लाई इसलिए नहीं देता क्योंकि भाई ये जो ड्रोन है काफ़ी आपको भारी देखने को मिलता है, तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिला। और गाइस, इस ड्रोन के रिमोट के अंदर आपको काफ़ी फीचर्स देखने को मिलता है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर है, वो सारे चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, थोड़ा सा आप वीडियो बड़ा बने रहो। गाइस, काफ़ी कम प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलता है इस ड्रोन के अंदर, तो सिंपली सी लैंग्वेज में बोला जाता है इस ड्रोन को आप आराम से बाय कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए फटाफट से हम ड्रोन को फ्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये नहीं है कि बस इतना ही दिखा दिया बता दिया हो गया वीडियो एंड, नहीं। तो गाइस, चलिए फटाफट से हम ड्रोन को 1K टेकऑफ करते हैं। तो 1K टेकऑफ आपको बटन देखने को मिलता है, दो गाइस देख सकते हो ड्रोन जो अपना 1K टेकऑफ हो चुका है, और हवा यहाँ पर काफ़ी तेज चल रहा है, देख सकते हो इसका बंकी जो है काफ़ी अटपटा सा उड़ रहा है। और थोड़ा सा हम ड्रोन को आगे कर देते हैं। सेकेंड भाई साहब, मतलब बहुत बुरा सीन होने वाला था, बच गया। खतरनाक क्रैश होने वाला था। ठीक है, हम ड्रोन को थोड़ा सा आगे कर दिए हैं। और गाइस, इस ड्रोन के स्टेबिलिटी की बात करें तो आपके सामने स्टेबिलिटी है, देख सकते हो मैंने रिमोट को सिर्फ पकड़ा हुआ है, और देख सकते हो ड्रोन जो है कितना ज़्यादा स्टेबल और कितना ज़्यादा अच्छे से उड़ रहा है। फिलहाल हवा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हवा नहीं चल रहा है, लेकिन हवा चलने के बावजूद भी काफ़ी स्टेबल मिलता है, ठीक है, ड्रोन आपको स्टेबिलिटी। और गाइस, इसके अंदर आपको ऑप्टिकल एवोडेंस भी देखने को मिलता है, तो वो भी अगर चालू कर देते तो ड्रोन आपका और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और काफ़ी अच्छे से उड़ने की कोशिश करता है। तो मतलब ओवरऑल ये ड्रोन जो है काफ़ी तगड़ा है। तो चलिए गाइस, अब इस ड्रोन का हम कैमरा क्वालिटी आपको दिखाते हैं कैसा है। इसका कैमरा क्वालिटी वाला ओवरऑल मतलब एवरेज है, उतना अच्छा भी नहीं है उतना खराब भी नहीं है, तो आई ड्रोन के हिसाब से काफ़ी ठीक है इसका कैमरा क्वालिटी। तो चलिए फटाफट से हम ड्रोन को टेकअप करते हैं और थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं, कैमरा क्वालिटी आपको दिखाते हैं किस टाइप का रहता है। चलिए गाइस, कुछ रिमोट के फीचर्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको हेडलेस ड्रोन मिलता है, मतलब आप ड्रोन को मतलब हेडलेस मोड में जा सकते हो। तो गाइस देख सकते हो अपना ड्रोन जो फ्लाई हो रहा है यहाँ पर, मैं जैसे इस बटन को दबाऊंगा तो गाइस देख सकते हो लाइट ब्लिंक किया, और देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो मतलब समझ जाओ कि आपका जो ड्रोन है वो हेडलेस मोड में जा चुका है, क्लियरली देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। फिर से मैं इस बटन को अगर दबा देता हूँ तो मेरा हेडलेस मोड जो है ऑफ हो जाएगा, जैसे कि मैं दबाता हूँ देख सकते हो मैंने दबाया तो नॉर्मल मोड में जा चुका है। कैमरा को आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जहाँ भी चाहो कर सकते हो, जैसे कि गाइस देख सकते हो अपना कैमरा जो है नीचे हो रहा है, ऊपर वाला पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हो ऊपर अभी कैमरा हो रहा है, तो इस तरह से आप कैमरा को ऊपर नीचे भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 1K टेकऑफ एंड 1K रिटर्न देखने को मिलता है, जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो गाइस देख सकते हो ड्रोन जो अपना नॉर्मली मतलब लैंड हो चुका है, ठीक है। तो फिर से इस बटन को मैं दबाऊंगा तो अपना ड्रोन जो है 1K टेकऑफ हो चुका है, देख सकते हो क्लियरली। और इमरजेंसी स्टॉप भी यही बटन है, तो मैं आपको इमरजेंसी भी स्टॉप करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा नहीं करता हूँ, देख सकते हो। और जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा यहाँ पर देख सकते दबा रखूंगा
तो गाइस देख सकते हो तो ड्रोन अपना फड़ाक से गिर गया, यानी कि इमरजेंसी स्टॉप हो गया। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका स्पीड कंट्रोल है, अभी तो एक नंबर पर मैं चला रहा हूँ ड्रोन को, अभी देख सकते हो दो बार टिक टिक किया यानी कि दो नंबर पर जा चुका है, अभी तीन बार टिक टिक किया तो ये तीन नंबर पर जा चुका है, यानी कि ड्रोन को आप बहुत तेज़ी से पीछे, बहुत तेज़ी से आगे, बहुत तेज़ी से इधर, बहुत तेज़ी से इधर, और बहुत तेज़ी से ऊपर और बहुत तेज़ी से नीचे, इस तरह ड्रोन को आप लोग आराम से कर सकते हो ये तीन नंबर डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट आपको देखने को मिल जाता है। इससे पता नहीं क्या होता है, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं चला अभी तक क्या होता है, ठीक है, बट जो भी होता है मेरे हिसाब से कैलिब्रेशन करने का बटन होगा, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। उसके बाद ये बटन भी दिया गया है, ये बटन किस चीज़ का है आई डोंट नो, ठीक है। इस बटन को भी मैं दबा करके दिखाता हूँ, देख सकते हो मैंने दबाया, कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, ओके ओके, ये देखो मतलब वो नहीं रहा, मतलब ड्रोन एक जगह पर स्टेबल है, यानी कि ये जो बटन है ड्रोन को एक जगह पे स्टेबल करने के लिए दिया गया है। तो इस बटन को अगर आप दबा देते हो तो आपका ड्रोन जो एकदम, देखो मैं इधर भी कर रहा हूँ तो देख सकते हो, मतलब अभी तो हो रहा है, अभी मैं इसको बटन को दबाता हूँ, देखो अभी मैंने जैसे इस बटन को दबा दिया, देख सकते हो दबा दिया, उसके बाद देखो मैं इधर कर रहा हूँ ड्रोन को तो नहीं जा रहा, इधर भी कर रहा हूँ तो भी नहीं जा रहा, बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहा है। तो इस बटन का आप प्रयोग कर सकते हो ड्रोन को एक जगह पे स्टेबल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर 360 डिग्री फ्लिप आपको देखने को मिलता है, तो जैसे ही मैं 360 डिग्री फ्लिप मैं करूँगा तो यहाँ पर ये फ्लिप हो जाएगा, जैसे कि मैं क्लिक किया हूँ और देख सकते हो ड्रोन जो है अपना कितना स्मूथली फ्लिप हुआ, लेकिन ये जो ड्रोन है थोड़ा भारी होने की वजह से काफ़ी ड्रोन जो है नीचे की तरफ आ गया। तो ये फीचर आपको देखने को अंदर मिलता है, ऊपर आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने रिमोट के सारे फीचर के बारे में आपको बता दिया एक्सप्लेन करके, वीडियो जरूर से अच्छा लगा हो लाइक जरूर से करो भाई, इतना मेहनत लग रहा है इतना वीडियो शूट करने में, फटाफट से लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो चलो गाइस लगे हाँ। तो एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ड्रोन के रिमोट को ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा, ड्रोन मेरा फ्लाई हो रहा है अभी देख सकते हो, और मैं रिमोट को बंद कर दिया, अब देखो क्या होता है, ड्रोन मैंने रिमोट को बंद कर दिया, ड्रोन अब फ्लाई हो रहा है, देखो अभी ये नॉर्मली लैंड हो गया। तो इस तरह से अगर आप ड्रोन फ्लाई कर रहा है और रिमोट को आप ऑफ कर देते हो तो आपका जो मतलब ड्रोन है ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा स्मूथली। तो चलो गाइस इसके कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी इसके प्रॉब्लम्स है वो सारे चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए फटाफट से और वीडियो को एंड करेंगे। तो गाइस सबसे पहला प्रॉब्लम की बात करें इस ड्रोन का, तो सिंपली आपको एक बैटरी देखने को मिलता है, एटलीस्ट दो बैटरी आता तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका प्राइस भी तो काफ़ी कम है भाई, 3000 रुपये में दो आपको बैटरी देखने को मिले और इतना तगड़ा ड्रोन देखने को मिले, ये भी पॉसिबल नहीं है, बट उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दो बैटरी आता तो काफ़ी अच्छा रहता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम जब इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो आसानी से उड़ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन जब इस ड्रोन को हम फ्लिप कर रहे हैं तो भाई वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जब ड्रोन को फ्लिप कर रहे हैं तो काफ़ी नीचे आ जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है भाई, ड्रोन का वजन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी भारी होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसका जो वजन है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया रहता, मतलब वजन थोड़ा सा हल्का बनाया गया रहता तो काफ़ी अच्छा रहता और काफ़ी मस्त फ्लाई करता ये ड्रोन। और गाइस तीसरा प्रॉब्लम की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑटो कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ड्रोन जो है अपना ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता है। मैंने इसके पहले ईटीट मंगाया था तो वो ड्रोन जो है जैसे रिमोट को ऑन करते थे, ड्रोन को ऑन करते थे तो कनेक्ट नहीं करना पड़ता था, मतलब बटन को ऊपर नीचे करके वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता था, सिंपली एक बार ऊपर वाला बटन दबा देते तो ड्रोन अपना फ्लाई होने लगता था, लेकिन वो चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब कॉन्स इसका लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इस ड्रोन के अंदर हमको इतने ही कॉन्स देखने को मिले, और ओवरऑल इस ड्रोन की बात करें 3000 रुपये के हिसाब से ब्रशेस मोटरोला ड्रोन देखने को मिलता है, रिमोटली एडजस्टेबल कैमरा देखने को मिलता है, ऑप्टिकल एविडेंस सेंसर देखने को मिलता है, और काफ़ी स्टेबल ये ड्रोन रहने की कोशिश करता है, और कैमरा क्वालिटी वगैरह भी मतलब ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट ड्रोन ये है, 3000 रुपये में ये ड्रोन आपको मिल रहा है, तो आँख बंद करके आप इस ड्रोन को आराम से कंसीडर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर आप बिगिनर भी हो ना तो इस ड्रोन को आराम से ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, या फिर कुछ भी पूछना हो इस ड्रोन से रिलेटेड या फिर किसी भी ड्रोन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर कमेंट पर आपका रिप्लाई नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओगे ना, तो वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आपका रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।